हरियाणा में इस बार 2019 के मुकाबले करीब 5% कम वोटिंग हुई है। 2019 में जहां 70.34% मतदान हुआ था, तो वहीं इस बार 65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि कम वोटिंग से हरियाणा में किसे नुकसान होगा। आपको बता दें, जाटलैंड रोहतक में 64.6%, सोनीपत में 62.3%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.3% और हिसार में 64.07% मतदान हुआ। अम्बाला सीट पर 66.90% और कुरुक्षेत्र में 66.20%। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में 63.20% और सोनीपत में 62.20% ही वोटिंग हुई। दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में मतदान 60% से कम रहा। सियासी पंडितों की माने तो कम वोटिंग से कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के बाद वोटिंग फीसदी में इजाफा होगा और लोग बीजेपी के खिलाफ जमकर मतदान करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहां की नाराजगी उनके फेवर में वोटिंग फीसदी बढ़ाने के तौर पर काम आएगी। कम वोटिंग को बीजेपी अपने फेवर में मान रही है। सिरसा सीट पर बड़ी वोटिंग से कांग्रेस खुश हो सकती है, क्योंकि यहां भी किसान आंदोलन का पूरा जोर रहा और भाजपा उम्मीदवार को हिंसक विरोध तक झेलना पड़ा था। ऐसे में यह बड़ा मतदान कांग्रेस के फेवर में माना जा रहा है। गौरतलब है, 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था। वोटिंग के बाद कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि जहां पिछली बार बीजेपी कम वोटों से चुनाव में जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी को वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और वहां उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा में भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली है। खैर, 4 जून के नतीजों में पता चल जाएगा कि कम वोटिंग किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और किसके लिए नुकसानदेह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।